अबे पीएल हम लोग चेड़ी तेरे को भाई देख ले देविंदर तू फिर बाबली बात तो करे ना करता भाई तू इतने में 2 लाख कोर्ट कचहरियों में 500 रुपए तू निकाल के मुझे दे मैं छुड़वाऊंगा तेरा कब्जा मैं देखू कितना बड्डा दबंग बैठा वहाँ चाचा खाली तन घर तक चले चली हो क्यों बेटे क्या परेशानी बन गई चाचा वो बाबार का जो ना पुष्पा बुखार बन गो पुष्पा बुखार भाई ये क्या बीमारी लिया आया बुढ़ा के नहीं देख रहा देविंदर तू फिक्र मत कर तेरा काम निपटाऊंगा सांझ को चल तू चल मैं आ रहा हूँ पहुंच तू बेटे आ लिया आ जाओ चाचा तो मैं देखू इन होगा क्या मामला सांझ को पैसे दे ही जाइयो कभी मक्खा ही कर दे देविंदर तू है किसी की बातों में ना आना अब तू यहाँ बैठा ही रहेगा नंबरदार मेरे घर में बैठा ही कल तक क्यों ना कैसे रही आयो ना खालिद आ रहे माँ नू कह रहे तू चल मैं आ रहा हूँ अरे तो उत्ते हका एक बैठा हो तू यहाँ को आजा मेरे थोड़ी उत्ती तेरे ऊपर आ जाएगी नहीं तो हे चाचा कैसे टांग पे टांग धर के बैठे हो भाई यू टांग मेरी है अब यू टांग भी मेरी है तो कहाँ जा पड़ रही है तू कहाँ ले वे उत्ती डॉयन तो मेरा ही घर मिला आयो कहीं और जा मरती चाचे किसके लिए कह रही हो कौन दिख रही है तुम्हें यहाँ पे रे यही डॉयन तो कह रही हूँ जब बड़ी बैठी है इनो में बड़ी बैठी है कौन बड़ी बैठी है चाची इनो में बूझ ले यही थे चाचा क्या मामला आये कौन बढ़ के बैठ गई तुम में पुष्पा पुष्पा बाज झुकू नौ कथाई भी बेहमन कब से बनी है चाचा को ये परेशानी पता ना चाचा बाबा नु कह रहे नु यार मेरा फिल्म देखने को जी कर रहा मेरा मन सोना लग रहा तो मैंने सोच बाबा आपने फोन दे दिया नु बाबा ठीक है तभी हम फिल्म देख लीजो मैं चाचा जल्दी सो गो क्योंकि पलेवा करो ना मैंने खेतन में गाजर भरवाई तो मो थकन से हो रही मैं तो सो गो अब सुबह जब सुबह बाबा उठे हैं पता ना चाचा इनका क्या परेशानी बन रही है नु मैं पुष्पा हूँ झुकूंगा नहीं और नु कर करके डांटी और खरोच मारी पता ना क्या हो रहा चाची तुम जरा भी मत घबराओ मैं आ गया हूँ अब मैं करता हूँ कुछ ए जनानी कितनी उम्र तेरी ये बतला मेरी 85 साल 85 मैं अमन ये तो चाचा की हम उम्र पड़ी है झूठ बोल लिया हराम जादी भैया खालिद ये जो है चैटार की बुआ है अभी कुछ दिन पहले जो ना यहाँ अटैक पड़ गया मर गई 50-55 साल की उम्र ही कुलिया की गैल भी पढ़ी यार यू देख लो कैसी जीभ मचला रही है भाई पुष्पा तू अच्छी जगह और हम बुरी जगह हम यहाँ की ओर तो माफी मांग रहे हैं भाई खाली दिए तो है बावड़े तू भी इनकी तरह बावड़ा हो रहा दिखे चाचा हमें बावला बतला रहे हैं बावली बातें तो तुम खुद कर रहे हो मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है तनु का जी पुष्पा झुकेगा नहीं यार क्या करना करेगा है तू भी ना समझेगा मोह लगे यहाँ से चल पा रहे इनके सामने रहेगा ना ये हमारी बात सुनेंगे नहीं और अपनी समझाएंगे नहीं चल यहाँ तो एक अंत में बतलाएंगे चल हाँ समझाऊंगा तो कहो को भग रहो खा रहा हूँ तो मैं आगे दिखे इनकी बात में आज उनको समझाऊंगा तो सारी बात तू नीचे को मत हो जाइयो कतई भी ऊपर रहना हो कतई आ भैया समझाऊंगा तो सारी बात बेटा मन ध्यान रखिए बुड्ढे को पता नहीं उम्र में और कहा गुल खिलाएगा पता ना अरे पुष्पा तो हमारा ही घर मिला आयु खोर मैं को
चाचा बतलाओ तो सही, क्या खा के निकल गए ऐसा घर से जो ऐसी परेशानी बन गई तुम्हें? कंधा भी उठा रखा तुमने ये? अरे रात एक फिल्म देख ली, वहां को प्रभाव पड़ गई मुंह पे। फिल्म देख ली? ऐसी कैसी फिल्म हो गई चाचा जिसने तुम्हारा कंधा तक उठवा दिया? ये फिल्म ही पुष्पा। पुष्पा? तो चाचा ये तो कोई जनानी फिल्म समझो है? अरे फिल्म ही जनानी ही, वहां में जो एक्टर है ना पूरा मर्द। अब तो एक बात सुन, हर आदमी की एक अंतिम इच्छा हो कर रहे, मेरे बच रहे कुछ ही दिन मरने में, तो जितने दिन बच रहे मेरे मैं सोच रहा हूँ पुष्पा की तरह जीऊं सहिंसा में। अब तो मेरी मदद करनी पड़ेगी वहां में। चाचा देखो होकर तो तुम बुढ़ापे में नीति रहे हो कि नुका पुष्पा की तरह जीना, तुम्हें क्या पता ना जनानी बनने में मजा मिल रहा, पर बताओ किस तरह कर सकूं मैं तुम्हारी मदद? मोबाइल पकड़, मैंने हमें फिल्म घेर दी पुष्पा, वहां देख तो पहले और बाकी मैं तो कल समझाऊंगा फिर, तू यार देख क्या पहले। फिल्म तो जैसा मैं देख लूंगा पर ऐसा ना जनानी का प्रभाव मुझ पे ना पड़ जावे। आ जाओ चलो। बताओ भाई खालिद कैसे कैसे रही अब? चाचा देखी मैंने तुम्हारी फिल्म, वो है इसमें चाचा बड़ा खतरनाक निकला है पुष्पा, तो है नाम ही जनानियों वाला ले रहा है ये जो कर कर। चाचा इसको जो है ना आहिस्ता करियो, कभी तुम्हारी दाढ़ी में बाल लग जावे। खैर चाचा मैंने तुम्हारा मामला जो बना दिया। कैसे कैसे? चाचा देखो इसके अंदर पुष्पा तो तुम ही बनोगे, क्योंकि दाढ़ी जो झुंडेदार तुमो नहीं रखा रखी है, और पुष्पा का दोस्त तो रहूंगा मैं ही, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त रही हूँ पहले से ही। चाचा मामला फंस रहा है सारा जनानी का। चाची रख भी रही है, कोमे में पड़ी है, उनकी हालत में कोई सुधार ही ना हो रहा। राम भरन दबा फरे को बीमार चल रहे घने दिन तक, हम तो भगवान तो जी हाथ जोड़े भगवान वह उठा ले, परेशान ये तो अब कहा करन लगा। छोड़ परे को इंगक सुन, रख भी रही है छोड़, सिर्फ आप ध्यान दे। ए चाचा बहुत आ गई कर लियो तुम्हें, उम्र ना देख रहे हो अपनी जरा भी? उम्र ही तो होगी है, दिल तो भी बच्चा है। चाचा तुम्हारे इस बच्चे दिल का पूरा ख्याल रखूंगा मैं, और तुम्हारा मामला भी पूरा जो तैयार कर दूंगा, पर चाचा इस पूरे मामले में जो खर्चा लगा। खर्चा कितना लग जाएगा? खर्चा चाचा तुम यही लगा लो 100 से 150 रुपए तक का तो खर्चा आएगा ही आएगा। भाई खालिद खर्चा तो तेने मोटा बता दिया, पर पैसा जो है बात को या स्वाद को? कैस बहुत है दिक्कत मत ले तू बता। भाई चाचा तुम्हारे बच्चे दिल ने बात तो बड़े दिल वाली करी है ये। निकालो चाचा लाओ 150 रुपए ही निकालो है। मोपे का पैसा धरे है, पैसा ना हो मोपे। देख लो चाचा करो तुम बावली बात ना करते हो, अभी तनु का मुझ पर बहुत कैश हैगा है। अरे मैं पैसा नहीं खुनो कह रहा, केस केस हम ऊपर रहन दो चाचा, फिर तुम ना बन पाओगे चाचा पुष्पा, टाल मारो यार। अरे छो मत हो बे, रहा तो बता कोई पैसा को। चलो चाचा मेरे दिमाग में हैगा फिलहाल, उठो। भाई तेने घंटा भर तक बैठा रखा हूँ मैं, कई कौम हिले को भी ना छोड़ो, पक्की पता है न्यूकरी आएगी। चाचा तुम यार उल्टी बात तो मेरे साथ में करे करो मत, जब मैं बतला रहा हूँ मैंने उन्हों इधर से जाते खुद देखा, उन्हों के खेत इधर ही तो। चाचा आती होंगे जरा बहुत देर में यार। लो वो आ ले, तुम्हें झूठ लग रही मेरी बात, वो आ ले लो। हाथ दीजो तुम, बढ़िया चला ले मोटरसाइकिल तो है, धोरे आली रोक है जो हाथ दे, हाथ दे। हाथ पत्तनी अरे शिल्पा जी रुकिया जरा रुकिया, है हो
कौन सी टोंग तर लंगड़ानो है सीधी वाली थी चाचा चलो ना जाओ कतई भी शिल्पा जी oh, no. क्या हुआ श्यामलाल जी कैसे लंगड़ा रहे हो कहा बताओ शिल्पा जी हम पे तो ग्रह चढ़ रही है गेहूं में तो लील गाय भगाने को आया हूँ मैं अब वहाँ को जो बच्चा है ना बछड़ा लील गाय को वो हसू डर के भगो एकदम सु मन की वैसी डर के भगो है मौत है पीछे तो वाना जो अपने बाप सु बिजार सु लील गाय को हसबेंड हो वहाँ से जाकर शिकायत कर दी पीछे से वहाँ के ठा दी और टक्कर मार दी टोंग तोड़ दी मेरी ओए शामू बहुत बदतमीज था उसका हसबेंड तो बहुत ज्यादा बदतमीज कहीं चोट फेट तो नहीं लगी आपको भाई देख लो मावसी शिल्पा तुम करती हो बाबली बातें ना करती हो टांग टूटी पड़ी है इससे ज्यादा और क्या चोट निकलवाना चाह रही हो निमटवाओ इनो अब चाची देखो तुमसे इतनी सी तिल जा मेरी तो चाचा खुजो इनो के घर तक छुड़वा दो है ना चाची आओ जा जाओ नाड़ फोड़ा मेरी है सर को जा सर को जा कहाँ को आवे है फरक जा जगह नो यहाँ पे जा खेत में को लील गाय को याद भगा दिए चल चलो जी शिल्पा जी जो न्यू कर चल गया कटसू न्यू को हो लीजा रजपुरा की नहर कर फरीद पर कर घूम कांगे ए चाचा क्या परेशानी बन गई ये तो बतलाओ तुम तो गर्दन को लटका के बैठ गए ना पे गर्दन कहाँ लटका रखे भैया तो बहुत बेकार भीड़ बनी है पूरे रास्ता में एक शब्द ना बोलिए कथाई भी बतलाने के मारत में रजपुरा फरीदपुर में कर घुमा के लाए हो जाती जाती फिर जो ना भाई भी ना बोली दुख ना उठेगो देखो चाचा दुख तो इन बातों को उठता मैं मानता हूँ लेकिन चाचा इस बात में बिल्कुल भी झुटलाना ना कि ये कठोर स्वभाव की ना बहुत कठोर स्वभाव की जनानी है ये चाचा अभी परसों जो रुखसाना ने शाहरुख को भेज दिया इनको ने छाए लेने अब चाची रख मेरी बड़े प्यार से उसको छाए दिए देख रही इसी भूल में उसने भेज दिया पागल ने छाए के लिए पता क्या कह रही पैसे ही खालो कितनी कठोर स्वभाव की जनानी है अब चाचा तुम्हें लगा पैसों में छाछ खरीदूंगा जब ही मना करवा दिया कि जाना ना है इनके यहाँ पे चाचा एक बात और है तमाकू खाबे हैं ये तमाकू में वो कुबेर पुबेर दाब रखा होगा इसलिए ना बोली होएगी तुमसे हमसे पूछ रहे ना सच चाहिए सही कह रहे हो भैया रास्ते में एक जगह मोटरसाइकिल रोकी या ना थूक आयो बताओ बताओ चाचा तुम जब उसने थूक लिया जब बात करके देखते तुम तुम्हें सबसे गुस्सा लिया होएगा है ना चाचा चाचा ये तो ये हाल है चाचा देख रही है चाचा इस तरह मुड़मुड़ का देख रही है चाचा मुड़मुड़ के ना देख मुझे ये जमाना मुखे बल गिर जाएगा और शिल्पा जी तुम्हारे याद में बुढ़ा जो तड़प तड़प के मर जाएगा बहुत बढ़िया भाई तू तो अच्छी राइमिंग मिला ले बैठ तू तो कम और है बैठ अब तू कैसे ही ऐसी विद बैठा जो मेरी ओर को ऐसे हाथ हिला दे तो मजा ही आ जाए जी मजी आ जाए कसम से चाचा ऐसा तो कोई काम बचा ही ना जो खालिद ना करवा सके तो तुम्हें पता ही है करवा दूंगा चाचा पर देखो खर्चा लगेगा खर्चा कितना समझो खर्चा चाचा ये लगा लो तुमने 150 रुपए का कटलाई काला अब तो मैं पहली किस्त मांग रहा हूँ तुम्हारे से चाचा 10 रुपए ही खा लो इनो दाल से खिलवा देंगे और क्या 10 में हो जा खो आ झोंक रहा देखता रहे हूं काम हो जा आजा परेशान मत हो तुम
बेटे रुचि, मुझे लग रहा है बुढ़ा जो बुढ़ापे में सट्टा चुका। मेरी तुझसे जो इतनी सी गुजारिश है, तू मौसी शिल्पा को जो हो ना, इतनी सी बात कह दे मेरी तरफ से, चाचा श्यामलाल की तरफ से, उन्होंने जो ना ऐसे हाथ हिलवा कर हाय बाय करवाना, इतनी सी बात के लिए तू ना जो हो ना रजामंद कर ले किसी भी तरह। अच्छा तो तुम्हें पता ना वो कितनी गुस्सैल है, मुंह पे और भी चल जाएंगी। देख रहा फिर तूने करी ये वाली बावली बात ना करी है, सूखे हाथ जब तू किसी से कुछ कहवाएगी वो तो नाराज होएगा ही, कोई भी सही मुझसे ही कह लग मैं झगड़ा कर बैठूंगा। तुझे जो ना उन्हों के लिए ये दाल सेव ले जाने, ये ले पहले उन्हों दाल सेव खिलवा, उसके बाद अपनी पेशकश रखना, तू मान जाएगी, परेशान मत हो है ना। अच्छा जरा लेता हूँ, हट। तुम्हें बाबा श्यामलाल की ओर को ऐसा हाथ उठाकर हाय बाय करनी है, यूं कहने को कही है चाचा खालिद ने मोह मासिल पासू। देख तुम्हारे घर की बात है, मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर तुम उसे जिकंद करता डोलेगा। अब तू बता दे मोह, जैसे तू कहेगा मैं तो वैस कर लूंगी। यू आखिर मैटर चल का रहो, मेरी समझ में ना आ रहा, बाबा और चाचा खालिद कहा करना चाह रहे हैं पतो लिकाड़ना पड़ेगा। अर पुष्पा जो है वो दादी शिल्पासु नू क्यों करवाना चाह रही है, या के पीछे क्या कारण है? पुष्पा, ये पुष्पा कौन है? अरे पुष्पा इताई हुई है हमारे बाबा पे, उनो रहवे वो जो हवा ब्याल, जो रहवे हवा ब्याल को चक्कर है। अब यो हवा ब्याल का तो हवा ब्याल की ना पता, हवा ब्याल मतलब वो ऐसे रहवे जैसे भूत 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 आ जावे जैसे काई पे ऐसे है वो। अच्छा रे ऐसा भी होवे। उनो है चेटा, उनकी 2-3 महीने पहले बुआ खत्म न होगी, जाको नूडी गोम में क्या अटैक पड़ गो अटैक। हम तो साफ जो है सारी बात, अटैक वटैक कुछ भी ना हो, लीवर फेफड़े किडनी सब खत्म होगी उनकी, तम्बाकू ना खा कर रही वे, हमारी माँ लट पड़ी कभी कभी उनसे, अब वे खत्म होगी 2-3 महीने पहले, तो माँ तो उन पर ही सके, बाबा भी परेशान कर रही है। तो उत्ते का ही झाड़ फूक वाले बाबा दिखाओ, बहुत बहुत लगवा दो उनके। करवाएंगे झाड़ फूक को तो कह रही माँ, माँ कर रही है कई बाबा तो बात, पर तू जो हो ना जैसे चाचा खालिद ने कही है वैसे वैसे तन करती रही हो, कदी अब के पुष्पा बुरा मोंजार बाबर कोई दिक्कत बना दे। ठीक है तू कह रहा हो तो मैं कर दूंगी, चाचा खालिद ने ना मो दाल सेब दिए उन्हें खवाने को। दाल सेब दिए दिखाइयो। देख दिखा से एकदम मूंगफली के दाने लेऊंगा। अब सारे खा जाएगा। 2-3 ही तो लिए। बाहर तो खाली जा कंधा में दर्द रह लगो। चाहे जाए मेरी समझ में तो जो एक बात ना बन रही है, फिल्म में जो मेरे जो हाँ वो दादी वाला इस कंधे को चुकावे ऊपर की तरफ को, तुम इस पे जोर मार रहे हो। कॉपीराइट का नाम सुनो, उठुक सके तन देर में। हाँ देखो इजाजत रहती है तू इस कंधे को उठा और तू अलहदा किसी को उठा, सरकार की रहती है सारी पॉलिसियां जो भी है चाचा। बिगर बूझे ना उठा सके वहां मैं, कुछ भी कौम उनके जैसा नहीं कर सकते तू, या हमारे अब न्यू बता कैसे रही बात करी तन वहां पे? जायजा मैंने जो है जयकरण की लौंडिया से बात करी सीधी, जो मेरे भी हिम्मत ना पड़ी, कठोर सा बाब है बदतमीजी से बोल जा चाचा झगड़ा बनता बेमतलब का, इसलिए चाचा मैंने तो जो जयकरण की लौंडिया उसके साथ घूमती रह बे न्यार फूस के लिए जाती ना रहे उन्हों के साथ, उससे ही कही भाई ये दाल सेव रहे, अब मऊसी शिल्पा को जाकर दाल सेव खिलवा दे, इतना काम करवा दे हमारा तो चाचा, छिपा हुआ कुछ ना चाचा, जो भी होगा दाल सेवा का कमाल है अगर होएगा तो। अब भैया सही कह रहा हूँ, सब ऊपर वाले के हाथ में, अब तो कोशिश में कमी तैने भी ना छोड़ी है, पर चलो जो भी हो देखो जाएगा। चप्पलें घिस गई हैं चाचा, कोशिश की तो ये रही, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए चाचा, तुमसे लगाव मेरा इतना ज्यादा तुम तो जानो ही चाचा। आ रही चाचा आ रही है, सीधे से हो जाओ सीधे से।
खाले तू बैठ गई, मैं अभी आ रहा हूँ, तन हाय हेलो कर का हूँ। शिल्पा जी, एक्सक्यूज मी शिल्पा जी। क्या है श्यामलाल जी? अच्छा लगा ना मैं आपको? मुझे ना आप बहुत ही ज्यादा बुरी सिकल के बुढ़े लगे। तो फिर तुम मेरी ओर को ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी? मैं आपसे बात नहीं कर रही थी ना, आप बावली काट रहे थे, इसलिए मैंने आपको ऐसे किया। बावली काट रहे हो? मो लगत में दाल से ना मिले दिखे। वो दाल से आपने भिजवाए थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप भी ना बहुत अच्छे हो। वैसे मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। वे भी आ जाएंगे तो क्यों टेंशन ले रही हो? Oh, no. श्यामलाल जी, इसे हमारे वहां तक पहुंचा दीजिए। श्यामलाल जी, क्या हुआ? लेला आगे मौत लेला। कोई नहीं श्यामलाल जी, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। घोषित कर दियो, दे दीजो पा जावे तो बाद में। अरे का होगा? जैसे तो पता ही ना कटला खूगा, अनजान बन रहा। अच्छा कटला, वादिन चराने को नो लेके गयो मैं उनने। अब गर्मी पड़ रही, चल तो लिए गर्मी पड़ रही है, न्यू कह लगे हमें जो नहर में नहवा दे। मुँह पर मन नौकरी गई, सच बताऊँ मैं तुम्हें। अब बहाव तेज हो, वो जो कटला है ही शरारती सो, बीच नहर में जा कूदो। चुप हो जा, चुप हो जा, कोई बात ना, कोई बात ना। चल ले, खड़ा हो, मुक चाल या खरक मुक्तन, चल रहा हूँ मैं। ठीक है बाबा जी, लेकर आ रहा हूँ। हराम ज्यादा न्यू कह रहा, पहले से मेरे पीहर ते आयो, मैं सारे कर्म जोड़ू तेरे बेक खायो होएगा। तेरी झलक शिल्पा, ओ शिल्पा, तेरी झलक शिल्पा। उतरी क्यों नहीं तू, उतरना है तू। तेरी झलक शिल्पा, ओ शिल्पा, वो बहुत अच्छी लगे तू शिल्पा। शिल्पा जी आइए ना, अकेलो अकेलो कब तक डांस करूंगा मैं? तेरी झलक शिल्पा, ओ शिल्पा, तेरी झलक शिल्पा। क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह,
क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह। तेरी झलक सिलपा उस कोई माँ आपकी तो लैटिंग में चप्पल सन गई। अरे सुनो तो सही शिल्पा जी, अरे मैं साफ कर दूंगा चप्पल है तो। ये कौन लैटरिन फुक गए हो इसका कौन कर गया चप्पल और सौंदी। घर घर में लैटरिन पड़ रही है यहाँ आकर चौड़े में कौन फुको पता ना। भाई चाचा आजकल तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, फूले ना समा रहे हो तुम। भाई खालिद खुशी की तो बात ही है सारी, यू है जिंदगी जो जी रहा हूँ मैं अब, यू है सेरन वाली जिंदगी। भाई वास्तव में ही पुष्पा बाज बन के मजा आ रहा है, बेहतरीन एकदम। साथ बहुत दियो थे ना मेरे दोस्त, ऐसा दोस्त थोड़ा चाहिए सबको। भाई चाचा हम तो तुमसे रखते हैं मेल झोल, पर एक गड़बड़ लग रही है मो वहां में, वो जो दाढ़ी वालो हो वाकी हाथा पाइप देखी ना मैं दबा के छांटे चलाए उसने तो चाचा, पुलिस वालों तक को लपड़ाया हो और हमने अभी तक ऐसा कुछ करो ही ना। तो मेरे यार पुलिस वाले तो खैर हम पे नौ थपड़ाए जाएंगे, छू भी ना हूं मैं तो पता मैं डरू ही हूँ, पर मेरे यार थोड़ा बहुत हाथा पाई को तो मामला बना, ऐसा तो लड़ाई भिड़ाई हल्की फुल्की तो चलनी चाहिए ना। अब चाचा मुझे ये लग रहा है इस वीडियो की लंबाई इतनी हो जाएगी, पब्लिक बोर हो जाएगी, तुम तो होगे ना होगे। अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा भी चाह रहे हो अगला पार्टिकल वालेंगे इसका, उसमें खूब तमाचे चलाना तुम। अजी हाँ चाचा क्या बात कर रहे हो, पर देखो चाचा पुलिस वालों से दूर रहना, कभी डाल के अंदर और वो झपटा दे हमको है ना, ना कभी हमारा पुष्पाबाद जेल में बढ़ावे। हाँ चाचा ठीक ठीक ठीक, तो अगला पार्टिकल जाएगा भैया। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना ना चाचा, शेयर सब्सक्राइब कहो तुम्हें कहो, सब्सक्राइब भी करनी है, शेयर भी करनी है, लाइक भी करनी है और कमेंट दबा के। वैसे चाचा एक समस्या लग रही है मुझे तो, तुम्हारा पोता मन बतला रहा वीडियो खूब लोग देख रहे हैं। हाँ ऐसी बता रहे हैं वो भी, सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही ना भैया, वीडियो देखे करो सब्सक्राइब को लाल सा बटन हो गए वहाँ भी दबा दे करो गैलम गैल, थोड़ी सी एक सेकंड कोई टाइम लगे बस, ज़्यादा ना लगता हो कर दे करो वहाँ भी, अच्छा सा लगे हमें भी। फिर इसका दूसरा पार्ट भी तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया वाला लाएंगे, ईमान सा मजा आ जाना तुम। अगर तुम वीडियो को लाइक जरूर करके चले करो, लाइक करते ही तो ऐसा लगता मेरा और चाचा का खून ना बढ़ जाता। चाचा बढ़ता, पिछली बार इतना फूल गया मैं। अच्छा लगा तुमने अच्छी सपोर्ट करी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बतलाओ कैसी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे संटेग्राम पर फॉलो करो, इनो भी करो, कोई परेशानी ना आप नहीं है ये भी, इनो भी करो मुझे भी करो इंस्टाग्राम पर, संटेग्राम पर कन्फ्यूजन रहता है इंस्टाग्राम पर करो चाचा। तो अगली वीडियो तक राम राम, समझना खुश रहो मस्त रहो आबाद रहो।